अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रनाथ मंदिर। हम इस समय रुद्रप्रयाग में मौजूद है और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जो दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो सीधा बाजार की तरफ रुख करेंगे। वहां पर डोर टू डोर कैंपेन का और बाजार में लोगों से मिलने का उनका प्रोग्राम पहले से तय है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये घोषित किया है कि कोई भी रैली नहीं होगी, उस पर पाबंदी है, तब से यहाँ जितने भी नेता हैं वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप इनकी ड्रेसेस को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उत्तराखंड की जो वेशभूषा है और उत्तराखंड का जो सम्मान, जो गौरव है, जो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से यहाँ स्वागत किया जाता है। हमारे साथ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और यहाँ किस लिए? जी, हम दूसरा मंगल समिति रुद्रप्रयाग से हैं और हम यहाँ पे अपने गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए आए हैं और हम उनका स्वागत अपने पारंपरिक गढ़वाली मंगल गीत से स्वागत करेंगे और हम बहुत बहुत मतलब बधाई देते हैं कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आए हैं और हम सभी बहने आ रहे हैं और एक साथ उनका स्वागत करने के हम यहाँ खड़े हैं। मंगल गीत, जिसके बारे में कहा जाता है कि मंगल गीत की जब बात की जाती है तो इसे आशीर्वाद भी माना जाता है कलाकारों का और उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड में यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और भी महिलाएं हमारी, क्या नाम है आपका? अनिता भट्ट। अनिता जी, कैसे स्वागत करेंगे? जी, फूलों से स्वागत करेंगे अमित शाह जी का और हमें कहा गया कि आप मंगल गीत से उनका स्वागत करें। मंगल गीत कैसे गाया जाता है, जरा थोड़ा सा गाकर हमें बताइए जरा। देना हो या, यही है पहचान उत्तराखंड की, मंगल गीत, जिसके लिए लोग देश और दुनिया में तरसते हैं कि कम से कम उनको एक बार तो मंगल गीत सुनने को मिले, लेकिन उसके लिए पहले देवभूमि आने की जरूरत है और शायद इसलिए अमित शाह देवभूमि आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग आ रहे हैं, रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन अफजाल राणा और अपने सहयोगी प्रवीण सेमवाल के साथ दिलीप सिंह राठौड़, रुद्रप्रयाग।